अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम वार्षिक राशिफल जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे सामने तुला राशि है, तो सबसे पहले हम तुला राशि का स्वभाव जानेंगे। स्वास्थ्य, व्यवसाय, नौकरी, प्रॉपर्टी, वैवाहिक सुख, संतान सुख, यात्रा, सुनहरे अवसर, प्रतिष्ठा, अधिकार, पद, सम्मान के साथ साथ इनको कौन कौन से उपाय करने चाहिए और कौन से रत्न धारण करना चाहिए, ये सभी कुछ पंडित प्रवीण शर्मा जी द्वारा बताए अनुसार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, इसके पहले कि आप अपने भविष्य में खो जाएं, मेरा आपसे निवेदन है कि अनंत यात्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होते रहे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तुला राशि का स्वभाव कैसा है। तुला राशि चक्र की सातवीं राशि है। तराजू का चित्र इस राशि का प्रतीक है। इस राशि का शुक्र ग्रह सौमित्व है। यह राशि सौंदर्य के देवता के रूप में जानी जाती है। यह पुरुष राशि और रजोगुणों की राशि कहलाती है। वायु तत्व और चर राशि है। मनुष्य में सबसे ज्यादा बुद्धि कला की ओर झुकाव नाटक, सिनेमा, नृत्य, कविता, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला, संगीत और कथाओं में रुचि तुला राशि के जातकों में पाई जाती है। पंडितों का कहना है कि जिन्हें साहित्य व संगीत में रुचि नहीं होती, उनकी तुला राशि पशु के समान हो सकती है या कोई भी मनुष्य पशु तुल्य हो सकता है। इसलिए तुला राशि में ये सभी गुण एक ही व्यक्ति में मिल सकते हैं। संगीत, सिनेमा व नाटक में तुला राशि के लोगों को पहले से दिलचस्पी होती है। तुला व्यक्ति यानी मानव जीवन का ऐश्वर्य, जीवन कैसे जीना चाहिए यह तुला राशि के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सबके साथ मिलजुल कर रहने की कला, मधुर व्यक्तित्व, अच्छे स्वभाव के कारण तुला राशि के लोग सबको प्रिय होते हैं। सुंदरता व प्रकृति के सच्चे चाहने वाले आप ही होते हैं। सुंदरता के बारे में आपकी रुचि क्लासिक होती है। किसी गीत, कविता, चित्र या शिल्प को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सिर्फ पैसा या संपत्ति आपका लक्ष्य नहीं होता। तुला राशि के लोग सुंदर जंगल, नीली हरी झाड़ियां, दूर तक फैला हुआ जलाशय, झील, अनंत सागर, आकाश के अलग अलग रंग, बड़े उद्यान, मोर का नाचना और मधुर संगीत के दीवाने होते हैं। जीवन, कविता, प्रकृति और साहित्य की सुंदरता आप चुनते हैं। इन चीजों का आप असली आनंद उठाते हैं। इन सब के लिए आपके पास समय भी होता है, रुचि भी होती है, तरल संवेदनाएं होती हैं, दिल बहलाने वाला स्वभाव आपके पास जन्म से होता है। निष्पक्षता और न्यायप्रियता आप में प्राकृतिक रूप से होते हैं। आप अपने संतुलित रवैये के लिए जाने जाते हैं। किसी भी घटना, विचार या अवसर पर जल्दबाजी नहीं करते, सोच समझ कर आप अपना फैसला सुनाते हैं। आप पूर्वानुमानित राय नहीं रखते, यह आपका स्वभाव है। विक्रमादित्य की तरह आप न्याय के लिए आग्रह करते हैं। आप समाधिकारिकवादी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। समानता, न्याय और भाईचारे के सिद्धांत आपके रोम रोम में समाया होता है, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन मीन कहा जाता है। उसे आप हमेशा अपनाते हैं। हर जगह समझौता, वैचारिक आदान प्रदान, मिलजुल कर रहने का रवैया, लोकतांत्रिक रवैया, दूसरों के विचारों के बारे में सहिष्णुता व आदर और दूसरे व्यक्तियों के प्रति प्रतिष्ठा रखना आपके विशेष गुण होते हैं। इन राशि वालों के पास इस तरह का स्वभाव होता है, जिससे कि हर कोई इनके पास खिंचा चला आता है। आपसे अगर कोई गलती हुई है तो आप खुले दिल से और ईमानदारी से उसे कबूल कर लेते हैं। जीवन की सारी लड़ाइयां और उनकी सीमा रेखाएं आपको ज्ञात है। न्याय व अन्याय, सत्य व असत्य, सुंदर व क्रूर, झूठ और सच, इनकी सीमा रेखाएं आपको पता है। जीवन कैसे जीना है यह कला आप में होती है। जीवन का संतुलन आप सही तरीके से करते हैं। किसी भी बात पर सोच समझकर और शांतिपूर्वक तरीके से निर्णय लेने की आपकी पद्धति है। जीवन की विसंगति से संगतता, अस्थिरता से स्थिरता, अव्यवस्था से सुचारू पद्धति आप बना सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत पर आपका गहरा विश्वास होता है। भलाई, सत्य और न्याय पर आपकी श्रद्धा होती है। अपनापन, प्रेम और आत्मीयता के आप सार्थक होते हैं, उसका बहुत समर्थन भी करते हैं। अमीर व्यक्ति से अधिक आप पर जान से अधिक प्रेम करने वाले, दिलदार और खुली सोच वाले लोग, ऐसे दोस्त आपको चाहिए होते हैं। गरीबों के आंसू पहुंचने वाली आपकी राशि होती है। औरों के सुख दुख में दुख मनाने वाली आपकी राशि है। तुला राशि योगी पुरुष की राशि कहलाती है। आसक्ति और अनासक्ति के बीच का सही फर्क आपको पता है। आपके पास श्रद्धा है, भक्ति है, सुख दुख, आशा निराशा,
जय पराजय, तारीफ, निंदा, सफलता, असफलता, इन मामलों में आप पूरी तरह से संतुलित रहते हैं। झूठ, नकल, ढोंग, इन बातों से आपको नफरत है। करुणा से भरी, दूसरों का दुख देखकर अपने मन को कष्ट पहुंचाने वाली आपकी पवित्र राशि है। किसी भी घटना, संकट की घड़ी में कुछ कछुए की तरह धीरे धीरे से चलने वाली आपकी राशि है। ब्रह्मदेव और विधाता ने अत्यंत कुशलता और मेहनत से तुला राशि को बनाया है। ताजमहल की तरह, कोहिनूर हीरे की तरह और राजा रवि वर्मा के हाथों बनाई गई अच्छी कलाकृति की तरह तुला राशि है। तुला राशि यानी मानव के जीवन का एक बड़ा गौरव है। प्रेम, पवित्रता, सरलता, शुद्धता, निर्मलता, सुंदरता और आकर्षकता से सराबोर आपकी राशि है। प्रसन्नता से चमकने वाली, उत्साह से कार्य करने वाली, आशावादी दृष्टि से पूरे मनुष्य जाति की सेवा करने वाली और मानवता पर विश्वास रखने वाली आपकी राशि है। करुणा, शांति, क्षमाशीलता और पशु पक्षियों पर प्रेम करने वाले धार्मिकता के गुण आप में हैं। सार्वजनिक, राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में जो लोग आगे आए हैं, जिन्होंने किसी एक क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है, ऐसे कई लोग तुला राशि के हैं। खासकर तुला राशि के लोगों ने कला, संगीत व नाटक क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाई है। राजनीतिक, सामाजिक और कला जैसे क्षेत्रों में अपने कौशल व बुद्धि के बल पर तुला राशि के लोग अपने काम से प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि तुला राशि बहुत ही प्रिय है। अनेक गुणों से शामिल यह राशि, इसलिए तुला राशि के लोगों को अपने अपने क्षेत्र में सफलता जरूर मिलती है। तुला राशि में चित्रा, स्वाति और विशाखा, यह तीन नक्षत्र पाए जाते हैं। चित्रा नक्षत्र के आखिरी दो चरण, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण और विशाखा नक्षत्र के आखिरी तीन चरण तुला राशि में शामिल होते हैं। आइए अब हम इनकी विशेषताएं जान लें। तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति की विशेषताएं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, बलवान, उत्साही, आर्थिक मामलों में श्रेष्ठ, सौंदर्य प्रेमी और सुंदर होते हैं। इसी तरह तुला राशि व स्वाति नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं हैं, सत्वगुणी, नीतिमान, चतुर, चालाक, धार्मिक, विनम्र, कला के शौकीन, कला कुशल, सुंदरता की दृष्टि से और यात्रा में रुचि रखने वाले। ठीक इसी तरह तुला राशि व विशाखा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं होती हैं, बहुत ही गुस्सैल, कला का बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कुछ हद तक पैसे लुटाने वाला व्यवहार भी होता है। इनका व्यवहार हर क्षेत्र में रुचि रखता है, हर जगह रुचिकर होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, प्रभावशाली होता है व्यक्तित्व है, गुस्सैल भी है। स्वभाव होता है इनका कि कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाएगा, कभी कभी असुर जैसा रवैया भी अपना लेते हैं। कुल मिलाकर के तुला राशि बहुत ही सुंदर, अच्छी मानी गई है। मित्रों, यदि आपको अपने नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है तो नक्षत्रों के अनुसार अक्षर ज्ञान से आप अपने नक्षत्रों का पहचान कर सकते हैं। चित्रा नक्षत्र मतलब रा री, स्वाति नक्षत्र रू रे रो ता, विशाखा नक्षत्र ती तू ते। तुला राशि के जातकों का वर्ष 2022 में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं पंडित प्रवीण शर्मा जी से। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष तुला राशि के लोगों के लिए अच्छा है। जीवन की ओर आप सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, आपके जीवन में वैचारिक प्रगति होगी, मानसिक सुख व समाधान प्राप्त होगा। सामान्य रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी स्वास्थ्य की छोटी मोटी शिकायतें रहेंगी। 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। बीच बीच में स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति खराब होगी, लेकिन यह शिकायतें स्वास्थ्य को लेकर नहीं रहेंगी। थोड़ी दिक्कतें आने के कारण मानसिक रूप से दबाव रहेगा, प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य की शिकायतें नहीं आएंगी। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ विशेष स्थितियां जब आपको ध्यान देना होगा, 19 जून से 12 जुलाई, 24 सितंबर से 18 अक्टूबर। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं व्यवसाय, उद्योग व वित्तीय स्थिति कैसी रहने वाली। तुला राशि के जातकों के लिए व्यवसाय और व्यापार की दृष्टि से यह वर्ष संतोषजनक रहेगा, लेकिन पूरी तरह से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहेंगी। मतलब 100% आप सफल नहीं हो पाएंगे, हाँ 90% जरूर सफल होंगे। यह दिक्कतें मामूली और तात्कालिक रहेंगी, दिक्कतों का रूप बहुत बड़ा नहीं रहेगा। व्यवसाय के बारे में आपके निर्णय सही साबित होंगे, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे। जिन्हें नया व्यवसाय शुरू करना है
उनकी दृष्टि से भी ग्रह की स्थिति संतोषजनक है। व्यवसाय में आपके फैलते हुए कई तरह के व्यापार उसमें जुड़ेंगे या व्यापार का विस्तार होगा, फैलाव होगा। आप सही और सटीक निर्णय ले पाएंगे, नए लोगों के साथ जुड़ सकेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे, व्यापार उद्योग में प्रगति होगी, वित्तीय लाभ का औसत बढ़ेगा, पुराना बकाया वसूल हो जाएगा। यह वर्ष तुला राशि के लोगों के लिए वित्तीय दृष्टि से अच्छा है। व्यवसाय का कारोबार बढ़ाने में सफल होंगे। 12 अप्रैल 2022 तक नए लोगों से जुड़ सकते हैं। कर्मचारी वर्ग का अच्छा सहयोग मिलेगा। 12 अप्रैल 2022 के बाद के कार्यकाल में आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और व्यापार की नई शाखाएं भी खोल सकते हैं, जो अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत ही सार्थक होगा। कुछ समय है जब आपको बच के रहना है, 17 मई से 26 जून, 17 सितंबर से 14 अक्टूबर का समय। तुला राशि के जातकों के लिए नौकरी की क्या स्थिति रहने वाली है 2022 में, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह वर्ष मिश्रित रहेगा। कुछ लोगों के लिए तबादले होने की संभावना है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, काम का तनाव बढ़ेगा, मानसिक रूप से तनाव रहेगा, भाग दौड़ और काम का तनाव इस वर्ष कम होगा। नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना है। इस वर्ष आप बिना किसी मुश्किलों के शांतिपूर्वक काम कर सकेंगे। आपको निर्धारित काम छोड़कर अन्य काम नहीं करना पड़ेगा। नौकरी में वरिष्ठ तथा उम्र दराज लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, जो पहले नहीं मिलता था जिन लोगों से, इस वर्ष उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा। बहुत अच्छा रहने वाला है यह वर्ष तुला राशि के लोगों के लिए। इस वर्ष पदोन्नति के पूर्ण योग है। इस वर्ष आपकी पदोन्नति के बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। आपके दुश्मन किसी भी प्रकार का रोड़ा नहीं अटका पाएंगे। उनके द्वारा की गई दुश्मनी आपके लिए फलित साबित होगी। आपके विरोधियों पर आप जीत दर्ज करेंगे। खासकर 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल पदोन्नति की दृष्टि से अति उत्तम है। कुछ समय है जब आपको सावधानी बरतनी है। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक, 14 मई से 14 जून तक और 17 सितंबर से 1 अक्टूबर का समय। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए प्रॉपर्टी के क्या योग बन रहे हैं 2022 में। प्रॉपर्टी की दृष्टि से यह वर्ष अति संतोषजनक माना जाएगा। निवेश के लिए भी यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। खासकर जमीनों में व्यवहार करना, जमीन को खरीदना आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। बिल्डर्स, डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होने वाला है। प्रॉपर्टी थोड़ी सी देर से आपके पास आएगी, लेकिन वर्ष के अंत तक आप प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा हासिल कर पाएंगे। कुछ विशेष तिथियां जब आपको ध्यान रखना होगा, 14 जनवरी से 2 फरवरी, 17 फरवरी से 30 मार्च, 27 अप्रैल से 22 मई, 19 जून से 13 जुलाई का समय। तुला राशि के जातकों के लिए वैवाहिक सुख बहुत ही उत्तम रहने वाला है। खासकर जिन युवक युवतियों के विवाह तय होने हैं उनके लिए यह वर्ष संतोषजनक है। विवाह योग युवक युवतियों के इस वर्ष विवाह हो जाएंगे या उनकी सगाई जरूर हो जाएगी। शुभ कार्यों के लिए यह वर्ष अति उत्तम है। वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा संवाद कर सकेंगे। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी द्वारा अपेक्षित आपको सहयोग मिलेगा। सामान्य रूप से यह वर्ष मिश्रित फलदायी है। वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 10%, 90% आपकी अनबन नहीं होगी, लेकिन वह ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली है। कुल मिला के 10% ही अनबन है। विवाह योग युवक युवतियों की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के बात का कार अति उत्तम माना जा सकता है। कुछ विशेष तिथियां जब आपको ध्यान रखना है, 11 अगस्त से 14 अक्टूबर, 6 दिसंबर से 31 दिसंबर का समय। तुला राशि के जातकों के लिए संतान सुख किस प्रकार रहने वाला है। वर्ष 2022 में संतान सुख की दृष्टि से तुला राशि के लोगों के लिए यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। बच्चों की समस्याएं हल होंगी। बच्चों की प्रगति, नौकरी और व्यवसाय से जुड़े हुए प्रश्न, स्कूल कॉलेज में एडमिशन के प्रश्नों की दृष्टि से यह वर्ष मिश्रित रहेगा। 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल कुछ हद तक संतोषजनक रहेगा। 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहने वाला है। कुछ विशेष उपाय से यह वर्ष बच्चों के लिए बहुत ही सार्थक रहने वाला है। उनके लिए 14 अप्रैल 2022 से पहले आप कुछ निर्णय ले लें, या कुछ विशेष उपाय हैं जो राशिफल के अंत में बताए जाएंगे, जिसके आधार पर पे बच्चों का या संतान सुख आपको अच्छा रहने वाला है। छात्रों के लिए प्रगति होगी। जिन छात्र छात्राओं की नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी अप्रैल के पहले ही लग जाएगी, और कुछ विशेष परिस्थितियों में दिसंबर का माह भी
अक्टूबर से दिसंबर का माह भी बहुत अच्छा है, छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा समय। कुछ कार्यकाल जब आपको संभल कर रहना है 18 मई से लेकर के 26 जून तक, ये थोड़ा सा कठिन समय होगा संतान सुख के लिए। आइए अब हम यात्रा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तीर्थ यात्रा, यात्रा, विदेश यात्रा और पर्यटन की दृष्टि से यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। वर्ष यात्राएं और तीर्थ यात्राएं लगातार होती रहेंगी। कुछ विशेष समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी यात्रा में जहां कठिनाइयां आ सकती हैं। 13 मार्च से 13 अप्रैल तक, 17 मई से 26 जून तक, इस अवधि के छोड़ करके पूरे वर्ष आपकी जो यात्राएं हैं आपको सफलता दिलाएंगी। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं अच्छे अवसर और प्रसिद्धि कहाँ कहाँ है। अच्छे अवसर, प्रसिद्धि और आपके कार्य में सफलता की दृष्टि से यह वर्ष संतोषजनक रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको अवसर मिलेगा। लेखन, प्रकाशन, कला, संगीत व नाटक क्षेत्र में प्रगति होगी। आपकी आशाएं, आकांक्षाएं पूरी होंगी। सपने वनवांछित फल देंगे। मूल रूप से तुला राशि कला, संगीत, नाटक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। कला गुणों से संपन्न है। मंच दिलाने वाली यह राशि है। यह राशि समाज प्रिय है, इसलिए औरों की तुलना में इस राशि के लोग साहित्य, संगीत आदि के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। कला इनको ईश्वरी गुण है, ईश्वर से मिला हुआ एक उपहार है, इसलिए ये कला के क्षेत्र में जरूर चमकते हैं। 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल तो आपके लिए अति उत्तम है। उसके बाद का कार्यकाल कुछ कठिनाइयों के साथ लेकिन आपको सफलता जरूर दिलाएगा। आप नए नए कार्य भी कर सकते हैं। भाग्यशाली घटना आपके साथ इस वर्ष जरूर घटने वाली है, जब आपको किसी प्रकार का सम्मान मिलेगा। मंच पर आप आसीन होंगे और आपको किसी प्रकार का पुरस्कार भी मिल सकता है। इस दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 10 मार्च से 22 अप्रैल, 10 जुलाई से 20 सितंबर, 11 नवंबर से 25 दिसंबर तक। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं प्रतिष्ठा और मान सम्मान किस प्रकार रहने वाली है तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में। सामाजिक, सार्वजनिक, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र में सफलता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार व पद प्राप्त करने की दृष्टि से तुला राशि के लोगों के लिए यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ लोगों को मान सम्मान और कीर्ति मिलेगी। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लें, शांतिपूर्वक व सोच समझकर महत्वपूर्ण निर्णय लें। सार्वजनिक क्षेत्र में आप ज्यादा समय बिताएंगे। आपकी पहचान बढ़ने वाली है इस पूरे वर्ष में। सामाजिक क्षेत्र के आपके अंदाज कई तरह के, कई गुणों के साथ निखर कर सामने आएंगे। आपके विचारों का प्रभाव जनता पर और समाज पर पड़ेगा। 12 अप्रैल 2022 के पहले के कार्यकाल में शिक्षा व सांस्कृतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अच्छे अवसर और प्रसिद्धि मिलेगी। ठीक इसी तरह से 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल प्रत्यक्ष रूप से अधिकार व पद प्राप्त होते रहेंगे। कुल मिलाकर अच्छे अवसर इस पूरे वर्ष में, प्रसिद्धि व आपके कार्य में सफलता की दृष्टि से यह वर्ष अत्यंत रूप से संतोषजनक कहा जा सकता है। यह वर्ष तुला राशि के लोगों के लिए सार्वजनिक कार्य में सफलता और प्रतिष्ठा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। दुश्मनों की कार्रवाई बंद होगी। इस वर्ष आपकी तरक्की के बीच में कोई नहीं आएगा। मान सम्मान के आपके योग लगातार बढ़ेंगे। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव सभी को मानना पड़ेगा। कुछ विशेष समय जब आपको लगातार सफलताएं मिलेंगी, 12 फरवरी से 31 मार्च, 14 अप्रैल से 14 मई, 16 जुलाई से 16 सितंबर, 17 नवंबर से 31 दिसंबर। इस समय आपको लगातार अधिकार और सम्मान प्राप्त होते ही रहेंगे। इस वर्ष तुला राशि के जातक शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। जनवरी में धनु राशि में मंगल का गोचर आर्थिक दृष्टि से आपको शुभकारी होने वाला है। धन संचय बढ़ेगा, आमदनी वृद्धि होगी। वर्ष 2022 में तुला राशि के जातक शनि की ढैया से मुक्त होंगे, इसलिए अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। हालांकि इस साल गुरु या बृहस्पति का आपके सष्टम भाव में प्रवेश होगा, जिससे मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस राशि के जातकों को कौन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि इनको लाभ होगा। तुला राशि के जातकों को शुक्रवार को सफेद रंग के वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। इसके अलावा हरा, नीला, काला इन रंग के वस्त्र धारण करना अच्छा रहेगा। तुला राशि में शनि परम कारक माना गया है, परम कारक ग्रह माना गया है, इसलिए प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाना चाहिए।
और हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना लाभदायक सिद्ध होगी। शुक्रवार को गौ माता को आटे की रोटी खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। साथ में चींटियों को आटा भी डालें, जिससे कि आपकी रुकी हुई चीजें आपको रुकने नहीं देंगी, लगातार आगे बढ़ने देंगी और आपके दुश्मनों का नाश होगा। हाँ, इस राशि के जातकों को रत्न के मामले में पुखराज धारण करना चाहिए। तो में सारांश रूप में कहा जाए तो तुला राशि के लोगों के लिए यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। खासकर व्यापार, व्यवसाय, वित्तीय प्रगति, नौकरी में पदोन्नति और उद्योग की दृष्टि से तुला राशि के लोगों के लिए यह वर्ष संतोषजनक रहने वाला है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, थोड़ी सी मानसिक परेशानी होने की संभावना भी है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में अधिक परेशानी नहीं होगी। संतान सुख की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल अति उत्तम है। उसके बाद का कार्यकाल 90% आपका साथ देगा, 10% कुछ गड़बड़ हो सकती है। कारोबार में तरक्की होगी, वित्तीय लाभ होगा, नौकरी में पदोन्नति, सार्वजनिक कार्य में सफलता, अच्छे अवसर और प्रसिद्धि की दृष्टि से यह पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा है। तुला राशि का व्यक्तित्व मूल रूप से अच्छा होता है। आपकी कला कुशलता के कारण आप अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं। जिद व मेहनत के दम पर आप सफलता पा सकते हैं। यह वर्ष आपके लिए अच्छा अवसर और प्रसिद्धि दोनों की दृष्टि से अच्छा है। घर में मंगलकार हो सकते हैं। कई मामलों में यह वर्ष तुला राशि के लोगों के लिए बहुत ही शुभ, अति शुभ साबित होने वाली है। शुरुआत में ही हमने तुला राशि के लोगों की विशेषताओं के बारे में जान लिया था, लेकिन यह राशि अगर बिगड़ गई तो कुछ दोष बन जाते हैं। यह राशि शुक्र के तहत होने के कारण भौतिकवादी रवैया और नशीले पदार्थों के सेवन में लग जाती है और उनको लत पड़ जाती है इन सब बुरी आदतों की। ऐशो आराम और विलासिता के साथ जीवन जीने की इच्छा पैदा होती है। निष्क्रियता, आलस, ढीलापन आदि दोष पैदा होने लगते हैं। असफलता स्वीकार नहीं होती। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि मेहनत के बिना किसी का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपको मेहनत तो करनी होगी, तब आपके पास सफलता आएगी। कई सफल लोग बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं। आप जो कार्य स्वीकार करते हैं उसमें जी जान से काम करते हैं, इसलिए आपको हमेशा सफलता मिलती रहती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिगड़ जाते हैं, लेकिन 90% तुला राशि के जातक हमेशा सफल होते हैं। वो तल्लीनता के साथ कार्य करते हैं, एकाग्रता से काम करते हैं और सफलता का ताज हमेशा उनके सिर पर चढ़ा रहता है, इसलिए वो पूरे समाज में गोताख होते हैं, समाज को मार्गदर्शन भी देते हैं। मित्रों, ये था तुला राशि का वार्षिक राशिफल 2022 का। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए,